ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ एक स्पेशल जो ट्रेंड था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जिसकी कोई तकरीबन 20 मिलियन के करीब जो है शायद ट्वीट आ चुकी हैं, तो उनके लिए जो उनको उनके साथ अटैक करके, तो हमने उनको फिर ये कहा कि अदालत से ये सदा की कि फैमिलीज को हरास ना किया जाए, जो लीगल प्रोसीजर है FIA और के रूल्स एंड FIA लॉ के तहत वो अडॉप्ट किया जाए। FIA का प्रोसीजर क्या होता है? FIA में कंप्लेंट आती है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, बुलाया जाता है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेस्ट अगर ज़रूरत हो रेस्ट के लिए छापे मारे जाते हैं। FIA ने छापों से शुरू किया, तो हमने ये कहा कि जो आपने अगर कोई कार्रवाई भी करनी है कानूनी तौर पे, आप हमें मुतला तो कीजिए कानून के मुताबिक कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरत है, ताकि हम उसकी जो लीगल रेमेडी है हम अडॉप्ट कर सकें। हम इसमें भी आज मैंने ये भी कोर्ट को बताया कि पार्टी लाइन मुझे इंस्ट्रक्शन है कि ये बताएं कि बिल्कुल क्लियर है, हम इदारों पर अटैक को ना तो इंडोर्स करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना ही हमारी उसमें उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी जो इदारों को अटैक कर रहे हैं। हम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसी भी चीज़ के बारे में राय देना वो एक अलहदा चीज़ है, उसको इंश्योर कराना चाह रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन डिग्निटी जो है, अपना किसी की प्राइवेट लाइफ जो है, चादर चार तिवारी का जो तकद्दस है उसको मलहूज रखना चाह रहे हैं। बाकी कानून जो कहेगा हम कानून के मुताबिक, हमने कल भी मैंने वहाँ पर भी कहा है, कल हमारे 3 वर्कर्स गुजरात से जो उठाए गए थे उनकी हमने बाकायदा कानून के मुताबिक जुडिशल रिमांड भी हुआ है, उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल लाहौर की लीगल टीम जो है वो आज करवा रही है। तो हम कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, हमें हरास ना किया जाए। सिर्फ ये ज़रूरत ना हो कि कोई भी हमारी पार्टी का वर्कर महज इस बार बुनियाद पर टारगेट हो जाए कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर है। ये बात आइन के भी खिलाफ है, कानून के बारे में के भी खिलाफ है, और सियासी असूलों के जो मरवजे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, ये बताएं कौन से कानूनी दफा? जी, ये अलामिन बात है। ये रात को मुझे किसी ने कहा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो FIA का है वो मांग रहे हैं, तो इस सूरत में तो मतलब जान साहब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर वो जो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन है या जो कंप्लेंट है वो दिए, क्योंकि गद्दारी या जो संगीन मामलात हैं इस किस्म के, अगर आप किसी को अगर फॉर एग्जांपल गलत अगर कोई उसमें शामिल हो जाता है या किसी तरीके से उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये इतना संगीन इल्ज़ाम है कि ये पर सारी उम्र स्टिग्मा हो जाता है। तो उस सूरत में तो ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हों, और अक्सर ये साबित हुआ कि जो बात आप कहते हैं ये हुकूमती इदारे वो बाद में गलत ही साबित होती है, कोई किसी ने ट्वीट कर दी है या गलत कर दी है, तो वो आप उस पर डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। आज अदालत ने कहा कि हमने उसको जो डेफेमेशन है वो टेक आउट कर लिया है। इंटिमिडेशन यानी कोई किसी को थ्रेट करे या किसी की पिक्चर्स लगा के नाजेबा, वो हमने पीका में उसको रहने दिया है। इसके साथ साथ दूसरे लॉज भी हैं, दूसरे लॉज के तहत जो भी कार्रवाई करनी है, हमारा ये था कोर्ट सारी उम्र स्टिग्मा हो जाता है। तो उस सूरत में तो ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हों, और अक्सर ये साबित हुआ कि जो बात आप कहते हैं ये हुकूमती इदारे वो बाद में गलत ही साबित होती है, कोई किसी ने ट्वीट कर दी है या गलत कर दी है, तो वो आप उस पर डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। आज अदालत ने कहा कि हमने उसको जो डेफेमेशन है वो टेक आउट कर लिया है। इंटिमिडेशन यानी कोई किसी को थ्रेट करे या किसी की पिक्चर्स लगा के नाजेबा, वो हमने पीका में उसको रहने दिया है। इसके साथ साथ दूसरे लॉज भी हैं, दूसरे लॉज के तहत जो भी कार्रवाई करनी है, हमारा ये था कोर्ट के, और कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हम बहुत मशहूर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, कि उन्होंने उस पर एक FIA को ये डायरेक्शन दी कि आप पोलिटिकल जो हमारे वर्कर्स हैं उनको अगर हरास कोई करेगा तो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी कर लें, हम आपको बता देंगे कि ये हमारे वर्कर्स हैं, इनका ये जो भी मामला कानून के मुताबिक है वी विल कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके कारकुन, नहीं देखिए, जो अदारों पे या जो अहम इदारे हैं मुल्की इदारे उन पे किसी किस्म की जो ट्वीट किसी ने की है पार्टी लाइन नहीं है,
पार्टी का ये जो लेकिन आप उनका दिफा कर रहे हैं। मैं पार्टी के वर्कर्स का दिफा कर रहा हूँ कि उनको गैर कानूनी तौर पर हरासा न किया जाए। जो ट्वीट्स अगर जो अभी तक तो इल्ज़ाम भी नहीं है हमारे किसी वर्कर के ऊपर कि आपने फौज के खिलाफ किया है या इदारों का काउंटर टेररिज्म में कोई इल्जाम अभी तक हमारे जो लोग हैं उनको तो कुछ चीज़ दी नहीं गई। अगर आर्मी चीफ या फौज के खिलाफ कोई ट्वीट या पोस्ट आती है तो क्या वो दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा? देखिए ये एक सवाल है, ये तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है कि जो इस किस्म की ट्वीट है उनको आप आम ट्वीट से या दूसरी चीज़ से हटा के देखें, इनको मिक्सअप मत करें और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को इस पे इस चीज़ के ऊपर ड्रैग ना करें। हो सकता है कोई जो है वो एक फेक अकाउंट हो सकता है वो किसी का गलत मामला हो, इस पर एहतियात करें। तो आपके आधी रात को अदालतें नहीं खुली, मैं आपसे सवाल करता हूं। तो आप एग्री करते हैं कि ये कोई गलत मकसद के लिए आधी रात को अदालतें खुलती हैं जो आपके लीडर इमरान खान कह रहे हैं? तो जी मेरा ये ख्याल है कि देखिए एक मेरा इस पर बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस है कि सियासी मामलों में अदालतों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। सही फैसले भी हों वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। अदालतें एक एहतराम अदालतों के लिए देखिए मतलब चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो आज अपोजिशन में है या PDM की जमातें जो आज हुकूमत में है उनके लिए एक ही वो दारुल अमान है, वो वहाँ पे जाती है। अदालतों का जो कंडक्ट है वो सब के लिए एक जैसा भी होना चाहिए और अदालतों को जो सियासी मामला हैं, मेरी एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये बिल्कुल मेरा बिलीफ है कि किसी किस्म के सियासी मामले खासकर पार्लिमानी झगड़ों में अदालत को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अदालत अगर सही फैसला भी करेगी तो वो फिर किसी तरह से पॉलिटिसाइज हो जाता है। सियासी मामला को हमेशा सियासी जो फोरम है वही।